पन्ना जिले के पत्रकारों ने सीधी में पत्रकारों के साथ हुई अमानवीय कृत्य और दुर्व्यवहार के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि भारत में चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को सीधी जिले की पुलिस ने जिस तरह प्रताड़ित किया है वह बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कृत्य करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। पत्रकारों ने कहा कि सीधी में पत्रकारों के साथ हुए घटनाक्रम पर अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार एकजुट होकर आंदोलन करने पर विवश होंगे। पन्ना से अजय विश्वकर्मा। सीधी में जो हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो वहाँ की पुलिस ने जो अवानवी व्यवहार किया है, इससे पुलिस का आतंकी चेहरा सामने आया है और इस चेहरा जो आतंकी चेहरा सामने आया है उसकी आज हम यहाँ निंदा करने आए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम सारे पत्रकारों ने ज्ञापन सौंप के मांग की है कि ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है उनके ऊपर बर्खास्त की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको इतना दंड दिया जाए कि भविष्य में वो देश के जो चौथा स्तंभ कहलाता है पत्रकार, जो जनता की सेवा करता है, उसके साथ कभी इस तरीके के कृत्य वो ना कर सके। के विरोध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग की गई हो, क्या चाहते हैं? इसमें इस घृणित कृत्य की हम निंदा करते हैं, साथ ही जो भी पुलिसकर्मियों द्वारा इस प्रकार का कानून से हटकर काम किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और इस तरह की सर पहली के तीन बार के चुनाव में आप लोग सुरक्षित है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लगा जब तक आप है जब तक सुरक्षित।